जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज फिर एक बार वीडियो लेके आया हूँ। तो ये फिटनेस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है यार, आप 3D बताइए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने वीडियोस डाली है कि भाई तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ, किसी का हेटर नहीं हूँ। साहिल खान जी, आपको पता है 25-26 ईयर हो गए उनको फिटनेस से जुड़े हुए। ही इज ए फिटनेस आइकन, ठीक है, आई विल रिस्पेक्ट साहिल खान। और दूसरी तरफ शेरू भाजी, देखिए उन्होंने खुद एक्सपीरियंस शेयर किया और इंडिया के तरह टॉप टॉप क्लास ये एक्सपो चलाया उन्होंने, IHF जो है इनका, शेरू क्लासिक, इंटरनेशनल रेट भी आते हैं। पर ये देखो जिस तरह से जाम लगे, देखिए कल साहिल खान जी ने एक एपिसोड और बनाया, एक ऑर्गेनाइजर जी को काफी पुराना उन्होंने डाल दिया। तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे मैंने क्या बोला, नेगेटिविटी फैल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। जो एथलीट तैयार है उनकी लाइफ पे बड़ा नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की वीडियो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, शेयर पहुंचे तक इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि अब ये दोनों शेयर शेयर ही है। एक फिटनेस इंडस्ट्री चला रहा है, एक्सपो चला रहा है, दूसरा एक आइकन है, तो ये शेयर ही हो दोनों ना। तो सामने बैठ के प्लीज इस को खत्म करें। अब शेरू पाजी को फिर बुलाए देंगे, फिर वहां से एपिसोड आएगा, वहां से एपिसोड आएगा। तो ये फिटनेस है यार, इसकी तरह की गंदगी मत फैलाओ। शेरू पाजी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, साहिल खान जी को आपने लगता है कि वो कह रहे हैं कि 2016 में मेरी बात हुई थी शेरू पाजी से कि भाई उनके एक्सपो को आपने सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, तो उसके 20 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। तो 20 लाख रुपए साहिल खान जी को सामने सामने बिठा के दे दीजिए, खत्म कर दिए। शायद साहिल खान जी इसी चीज से जा रहे होंगे, आपने मेरे 20 लाख नहीं दिए, ये वो इस तरह मुद्दा चल रहा होगा। तो प्लीज उनको आमने सामने बैठिए, रिप्लाई देने से कुछ नहीं होगा। साहिल खान जी यहाँ से रिप्लाई करेंगे, शेरू पाजी यहाँ से रिप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इससे गहमा गहमी बढ़ेगी और नेगेटिविटी फैलेगी यार। फिटनेस है ये, दिस इज अ फिटनेस। सबसे महंगी गेम है, आपको पता है, ईट स्लीप रिपीट ट्रेन, खाओ पियो पैसा लगता है यार। एक एथलीट जो तैयार होता है, हमें पता है ना कि कितनी मील चलती है, कितना साइकिल चलता है, PCT प्रिकॉशन एवरीथिंग। तो इससे नेगेटिविटी जाएगी। तो मेरी साहिल खान जी से भी और शेरू पाजी से भी रिक्वेस्ट है प्लीज, आमने सामने बैठ के बात कीजिए। और जो एथलीट देखो, हर कोई दिन एथलीट आ रहा है, कोई अरहान अंसारी आ रहा है, कोई गौरव गणेश जा रहा है, कोई कौन आ रहा है, कोई अतुल फजीक आ रहा है, किस तरह की एलिगेशन लग रहे हैं इन। चलो नहीं खेलना है, खेल चुके हैं ये प्लेयर जो भी है, बन चुके इन्हें जो बना था प्लेयर बन गए, पर न्यू एथलीट पे क्या फर्क पड़ेगा। और जो एथलीट कह रहे हैं शेरू पाजी, अगर आपको लगता है ये कुछ आप सुधार कर सकते हैं, तो उसमें सुधार कीजिए अपने जो ये आपके क्लासिक है, फेडरेशन है, बहुत ही फेडरेशन है। देखिए आपकी नंबर वन चली हुई है, JRI क्लासिक है, बोस क्लासिक है, AD क्लासिक है, संग्राम चोले क्लासिक है, बहुत सी फेडरेशन है, पर आपका तो वह चला हुआ है। और जिस तरह से ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से नेगेटिविटी फैलेगी। सामने बैठ के बात कीजिए, देखिए साहिल खान जी, क्या अगर आपने पैसे देने हैं 20 लाख रुपए, तो उनको सामने मारिए और खत्म कीजिए इस चीज को, ठीक है। क्या पता साहिल खान आने वाले टाइम में एक एक्सपो खुद चला सके, अपना खुद कराए एमजीओ लंबी जिस तरह से आप करा रहे, पर तब तक तो इसको संभाल के रखिए ना, तब तक तो लोगों के दिल में ये तो नहीं फैलना चाहिए कि यार यहाँ पे क्या पता स्कैम होता है, फ्रॉड होता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की नेगेटिविटी ना फैले ना, ऐसे लोगों से नेगेटिविटी बहुत फैलेगी। तो प्लीज साहिल खान जी के साथ आप बैठ के बात कीजिए, जो पैसा लेन देना वो खत्म कीजिए, उसको दीजिए। और क्या पता साहिल खान जी के दिमाग में क्या चल रहा है, शायद आने वाले टाइम में वो अपना क्लासिक खोले, साहिल खान क्लासिक फिटनेस आइकन है वो, जिस तरह से न्यूट्रिशन अपना बिजनेस फैला रहे हैं, हंक बोटर, पीनट बोटर, अब न्यूट्रिशन देख लीजिए, उनने खा के तिहाड़ जेल के जेल उनके साथ जुड़ चुके हैं, काफी बंदे जुड़ चुके हैं। तो क्या पता आने वाले टाइम में अपना एक्सपो खोल दे वो, एमचूर लंबे खुद कराए वो, उनको कोई पता नहीं क्यों फीस बिकम फिटनेस आइकन ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। और आप भी कोई कम नहीं, मैं आपको कोई आपका हेटर नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, बट जो मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, तो प्लीज बैठ के बात कीजिए, आमने सामने बात कीजिए। जो आपको लगता है साहिल खान जी कहते हैं कि इसमें सुधार कीजिए, सुधार कीजिए, पैसा देना पैसा दीजिए, पर इस चीज को खत्म कीजिए। आने वाले टाइम में जो होगा, साहिल खान जी चलाएंगे एक्सपो या आप चलाएंगे, वो आगे की बात है, पर इस टाइम जो ये गहमा गहमी चली हुई है, नेगेटिविटी फैल रही है, इस चीज को खत्म कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। जय हिंद।